वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन स्टूडेंट्स, मैं हूं किशन पाल। आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही काम आने वाला है जब आप एडजॉइंट एंड इनवर्स सीखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जितना सिंपल है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं कि व्हाट इज माइनर्स एंड इसको कैसे फाइंड किया जाता है, व्हाट इज कोफैक्टर एंड इनको कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, माइनर्स जो होते हैं हमारे, माइनर्स को डिनोट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, कैपिटल एम का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं कैपिटल एम का, एम से डिनोट करते हैं माइनर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए जरा डेफिनेशन में क्या लिखा है। ये हमारा डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट इज द मैट्रिक्स देन द माइनर एम आई जे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है, ये डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पर, रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय आईथ रो एंड जेथ कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी। इस टाइप से हम इसमें फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम माइनर फाइंड करते हैं टू बाई टू, ठीक है फाइंड, ठीक है टू बाई टू मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ एम वन वन। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने वन वन का निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। जैसे ही हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो एक ही एलिमेंट दिखा हमें, दैट इज ए टू टू। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। क्या कर देंगे हम इसका डायरेक्टली ए टू टू लिख दिया हमने यहाँ पर, तो इसका क्या मिल गया, ये हमारा माइनर मिल गया। अब हम निकालेंगे ए वन टू का, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम कॉलम को चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह सेकेंड कॉलम को हाइड कर देंगे, अगेन एक ही एलिमेंट हमको दिखा, दैट इज कॉल्ड ए टू वन। अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एम टू वन फाइंड करेंगे। जब M21 को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से रो हमारी चेंज हो जाएगी, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, A12। लास्ट वन हमारा क्या करेंगे, हम कॉलम को चेंज करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे M22। ये क्या होता है, A11 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए टू बाई टू का बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेकंड को सॉल्व करके दिखाऊं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, M11, देखिए ये हमारे क्लोज हो गए, दैट मीन्स क्या बचा, डायरेक्टली सिक्स बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप करोगे एक बार तो हैबिट बन जाएगी, देन जब प्रैक्टिस करोगे तो A12 फाइंड करेंगे तो ये हमारे क्लोज हो गए, दैट इज थ्री। A21 फाइंड करना स्टूडेंट्स हमको, तो ये हमारा क्लोज हो गया, दैट इज सेवन। A22, ये M22 फाइंड करना है, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का फोर आ जाएगा। तो टू बाई टू के माइनस निकालना बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं थ्री बाई थ्री की तरफ, थ्री बाई थ्री में कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसको टू बाई टू को मैं अरेज करता हूँ थ्री बाई थ्री के माइनस की तरफ हम, ठीक है सीखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है, सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए कितने माइनस निकलेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे चार निकले थे वैसे यहाँ पर नौ निकलेंगे। क्या होगा, यहाँ एम वन वन देन एम वन टू एम वन थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम एम वन टू एम वन थ्री निकाल लेते हैं। एम वन वन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया हमने, तो स्टूडेंट जो हमारे चार अदर एलिमेंट्स जो बचे उनकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए। क्या हुआ, ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू, ठीक है ए थ्री थ्री। अब स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे, टू बाई टू की मैट्रिक्स को सॉल्व करना आप, ठीक है पिछली वीडियो में देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ से ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस का साइन ए थ्री टू इंटू ए टू थ्री, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, जब हम एम वन टू की बात करेंगे तो वन टू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट सेकंड कॉलम को हाइड करने का अगेन हमारे पास फोर एलिमेंट बचे, क्या बचा ए टू वन ए टू थ्री, ठीक है ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए टू वन इंटू ए थ्री थ्री माइनस का साइन ए थ्री वन इंटू ए टू थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगेन हम क्या करेंगे, A31 का निकालेंगे, सॉरी 13 का निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम इसका थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो अगेन हमारे पास क्या बचा, A21 ठीक है, A22, A32, 31 एंड A32। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, अगेन जब हम ठीक है पहले डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई A21 इंटू A32 माइनस का साइन क्या हो जाएगा A31 इंटू A22। इसी तरीके से हम सबका जब सेकंड निकालेंगे तो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, देन सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, देन थर्ड कॉलम हाइड करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसके 9 के 9 माइनर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली करके दिखाता हूँ। यहाँ से वैल्यूज आएंगे तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ देखिए हमारा ऑर्डर के हिसाब से आपके A11, A12 आपको भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो जब वैल्यूज आएंगे तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से समझिए क्या होगा, हम यहाँ फोर्थ फाइंड करते हैं। सबसे पहले फोर्थ फाइंड किया तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, M11 की। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारी पोजीशन है M11, M12 इस तरीके से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बची दैट इज 8341। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 8 - 12 क्या निकला, माइनस का 4 निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से कॉलम चेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया, क्या बचा 7361, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 7 - 18 दैट इज माइनस का 11 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे M13 निकालने के लिए, तो क्या होगा हमारे पास 7684। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 = 28 माइनस 6 × 8 = 48, तो कितना निकल गया स्टूडेंट्स, -20 निकल गया, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं कौन सा M, यहां से अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए हम लोग फाइंड करते हैं M21, दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहां से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास -32 देन 41। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा -3 - 8 दैट इज -11। M22 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम हाइड हो गया, क्या बचा हमारे पास 5261। सॉल्व किया क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 × 1 = 5 - 12 कितना आया, माइनस का 7 आ गया। M ठीक है 23 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के ये सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट्स 5 - 3 = 6 = 4 क्या हो जाएगा यहाँ से 20 - - +18 ठीक है 4 × 5 = 20 एंड देन ये क्या हो जाएगा, एक ऑलरेडी माइनस है, -× - क्या हो जाएगा +18 ये हो गया 38 ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं थर्ड रो के फाइंड कर लेते हैं, थर्ड रो के फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा M31 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं, तो क्या बचा हमारे पास -3 ठीक है -3 = 8 3। सॉल्व किया क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां से -9 - 16 दैट इज -25 निकल गया। नेक्स्ट वन फाइंड करते हैं हम कौन सा स्टूडेंट्स M32 के लिए क्या करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या क्या बचा 5, 2 and 7 and 3। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 15 - 14 दैट इज 1 एंड लास्ट वन स्टूडेंट्स मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ जगह की कमी है 3 3 क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, थर्ड रो के साथ साथ थर्ड कॉलम को हाइड करना है हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 - 3 = 7 8 क्या हो जाएगा 40 ठीक है -+21 कितना निकल गया स्टूडेंट 61। तो अब यहां से इन माइनर की एक अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो क्या निकलेगी स्टूडेंट्स यहां से देखिए ये निकलेगी हमारी 1 1 पोजीशन, देखिए यहां से क्या आया -4 M12 कितना निकला -11 M13 कितना निकल गया -20 M21 कितना निकला स्टूडेंट्स -11 देन -7 38
इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 25 माइनस का देन 1 एंड 61। तो ये वैल्यूज हमारी, ये क्या निकल गई, ये क्या है हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइनर ठीक है। ये हमारा इसके माइनर्स निकल गए सारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस 2/2 भी समझ लिया आपने, 3/3 भी समझ लिया। अब अगर आपने माइनर समझ लिया स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आपको इसके कोफैक्टर समझाता हूँ कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कोफैक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Cij, इससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, Cij से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपने माइनर निकाल रखे हैं तो ये वेरी सिंपल है, -1 की पावर ij इंटू mij, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या कराता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको यहां पे वो बता देता हूं कि 2/2 में कैसे निकालेंगे, 2/2 में कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। माइनर निकालना वेरी इजी, और इसके कोफैक्टर कैसे निकाले जाए, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां देखिए आईजे के हिसाब से देखिए, माइनस जो हमारा -1 है, अगर यहां पावर ऑड होगी तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिए स्टूडेंट, देखिए -1 की पावर अगर 2 होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई माइनर से कर देंगे तो ऑलरेडी वही आ जाएगा, लेकिन अगर -1 की पावर ऐड होकर 3 आ गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही ये 3 आएगा तो 3 आने के बाद यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये -1 हो जाएगा। जब पावर इवन होती है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो नंबर पॉजिटिव आता है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट क्या रहता है हमारा, नेगेटिव ही रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, कहाँ से ये होता है हमारा 1 1, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होता है 1 2, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स ऑड नंबर आ जाएगा, देन ये क्या होता है 2 1, ये 2 2, तो इन दोनों में क्या कर लीजिए ऑलरेडी माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा लिया तो फिर डायरेक्टली हमारा C11 क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड कर दिया ये 6 निकल जाएगा, C12 क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, ये हाइड है पूरा, -3 आ गया, C21 क्या निकलेगा स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ से C21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, -7 आ गया, C22 निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ से हमारा -4 आ गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो माइनर निकला था M11 क्या निकला था यहाँ से 6, M12 क्या निकला था यहाँ से 3, M21 -7 एंड M22 क्या निकला था स्टूडेंट्स -4। आप क्या कर लीजिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, देखो वही आएगा, और इसकी जगह क्या लिख दीजिए, ये C11, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ से C लिख लीजिए, जो माइनर की वैल्यू थी वहाँ क्या लिख देंगे हम यहाँ पे C कोफैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2/2 के कोफैक्टर निकालना वेरी सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, या फिर अगर आप माइनर निकाल चुके हो ऑलरेडी तो माइनर निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्या करता हूँ, 3/3 का माइनर ये कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले से इरेज कर देता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ समझिए, 3/3 के कोफैक्टर क्या निकलेंगे, सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सेकंड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनके माइनर लिख लूँ स्टूडेंट्स। देखिए माइनर निकालने में अगर हम दोबारा टाइम वेस्ट करेंगे तो अगेन वही हमारे पास, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए पिछली स्लाइड में, यहाँ से यहाँ ये देख लीजिए, इसको अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर दूँ तो क्या होगा, ये देखिए दोनों हमारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसका क्या क्या रिजल्ट थे, -4 -11 -20, तो क्या क्या है, -4 -11 -20, देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड है हमारा -11 -7 38, -11 -7 38, देन स्टूडेंट्स यहाँ -25 1 एंड 61, ठीक है। ये क्या है, ये माइनर की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है माइनर की मैट्रिक्स। अब अगर देखिए यहाँ से भी आप समझिए, ये क्या होता है 1 1, तो यहाँ से क्या आएगा पॉजिटिव, 1 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 अगेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बस वही साइन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपको, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए +(-)-(+)-, ठीक है +(-)+, बस इसके साथ ही हम क्या कर देंगे यहाँ पे
कोफैक्टर्स अगर हमें चाहिए तो डायरेक्टली हम कोफैक्टर्स लिख सकते हैं इसके। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, डायरेक्टली अगर हमको चाहिए C11 चाहिए, क्या रह जाएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस फोर से कराऊंगा तो ये माइनस फोर ही रहेगा। C12 चाहिए हमको, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 11। C13 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 20। देन इसी तरीके से हमारा C21 क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस का 11। सी कितना चाहिए हमको, 22। क्या होगा स्टूडेंट्स, 7, वो भी माइनस का। C23 क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, माइनस का 38 निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से C31 क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 25। C32 क्या होगा, माइनस 1। C33 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 61। तो ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनर निकालने के बाद या तो आप फॉर्मूले का अप्लाई कर लीजिए या जो आपके माइनर ऑलरेडी निकल चुके हैं उसमें क्या करना है आपको, अल्टरनेटिवली माइनस लगा दीजिए, जैसे प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं, जैसे लाइक एज ये डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इनके लिंक आपको दोनों वीडियोस के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की हमारी तीन पार्ट में मैंने कवर किया है पूरा। फर्स्ट में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, सेकंड में स्टूडेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, एंड रिमेनिंग जो भी उसमें ठीक है आपका ठीक है जो भी कुछ बचता है वो सारा का सारा थर्ड पार्ट में कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से, अब आपको कोफैक्टर समझ आ गया होगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहली प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स A11 A12 A13 ठीक है, ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। आप समझिए क्या बोला स्टूडेंट्स यहां, इसने यहां बात को समझिए, एक हमने क्या कर दिया, देखिए अगर हमने क्या किया स्टूडेंट्स यहां पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को यहां पे आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ध्यान से समझिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा यहां से हमारा ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा A11 के साथ क्या लिया हमने, A13 ले लिया। ठीक है, देन A21 के साथ क्या लिया, A32 ले लिया। देन A यहां से A31 के साथ क्या लिया स्टूडेंट्स हमने, A33 ले लिया। ठीक है, A33 ले लिया। अब इनको अगर हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा, जीरो आने वाला है। एक बार डेफिनेशन पे दोबारा से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, द सम, देखिए द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम किसका, प्रोडक्ट का, ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी एक रो के एलिमेंट्स ले लीजिए ठीक है, विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसी रो के अगर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स कैसे अगर अरेंज करने के लिए अगर हुआ, तो देखिए यहां से हमने क्या लिया, A11 लिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये A31 हो जाएगा। ठीक है, एंड A21 के साथ क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा। तो जब भी कभी इस रिजल्ट को आप अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को अप्लाई करने पर आपको फाइनल आंसर जीरो आएगा। तो ऐसा आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको ट्राई करेंगे, लेकिन अगर वही कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको ये अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली जीरो पे टिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या सपोज एक एलिमेंट यहां से के लिख दिया, उसकी वैल्यू निकालनी है तो इज इक्वल टू में जीरो, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी समझिए, अगर क्या होता है हमको इसे इवेल्युएट करना है, ये भी एनसीईआरटी में ठीक है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, किसी एक डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का साइन, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्लस का साइन, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा ठीक है, वो हमारा वैल्यू निकल जाएगी यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे ये जीरो नहीं लिखना आपको,
ये हमारा वैल्यू देगा, ठीक है, जो भी कुछ वैल्यू निकालेंगे, ये जीरो गलती से पीछे वाला टाइप हो गया स्टूडेंट्स, यहां से ये हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस कुछ भी जो भी आ सकती है, तो वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, वेरी इजी है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये प्रॉपर्टीज भी कर ली हमने माइनर एंड कोफैक्टर की। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसमें इनवर्स करेंगे, एडजॉइंट करेंगे, इनवर्स करेंगे, एंड उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, वीडियोज को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।